गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आज आपको बताने वाली हूँ झटपट कैसे हम सिंपल डोसे के साथ खाने वाले आलू कैसे बनाएंगे। तेल गरम कीजिए, थोड़ी सी राई डाल दीजिए फटफट। ये देखिए, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च खूब सारी डाल दीजिए। साथ में आप नमक डाल दीजिए। ये 5-6 आलू मैंने बॉईल किए हैं। बॉईल करके देखिए, आपको ऐसे मैश करके रख लेना है। और इसमें लहसुन अदरक कुछ भी नहीं जाता है, जो डोसे वाले आलू रहते हैं। और इसमें हल्दी भी एकदम लाइट डालते हैं, थोड़ी सी। एकदम थोड़ी सी हल्दी और ये लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि हमने हरी डाली है मिर्ची। और ये सब आलू हमने डाल दिए, बस मिक्स कर दीजिए। गैस को स्लो रखिए। 5 मिनट में आलू को एकदम पूरा अच्छे से बॉईल करना चाहिए, उसको मैश करना चाहिए अच्छे से। देखिए, 5 मिनट में आलू रेडी होते हैं। और इसमें अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डालते हैं, खूब कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची के साथ में ये बॉयल आलू रेडी होते हैं। ये डोसे के साथ हम लोग खाते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो आज आपको ये बनाने वाली हूँ मैं, तो आपको बता दूँ इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको देखिए, मैंने खूब सारा इसमें धनिया डाल दिया है। आपको सिर्फ बताने का पॉइंट ये होता है कि हम डोसे वाले आलू कैसे खाते हैं, उन चीज़ों को ध्यान दिया कीजिए। इसमें लहसुन नहीं डालना, अदरक नहीं डालना, सिर्फ राई डालना है, कड़ी पत्ता, खूब हरी मिर्ची और लाइट हल्दी भी एकदम लाइट डालनी है। इससे डार्क येलो कलर नहीं होना चाहिए, इवन इससे भी लाइट होगा तो भी चलेगा। बस नमक, नो काली मिर्च, नो गरम मसाला, कुछ भी नहीं। इस टेस्ट का आप ये आलू बना के खाएंगे तो डोसे के साथ अच्छा लगेगा। ये देखिए, बस अच्छे से बॉईल करके मैश करके थोड़ा तेल में डाल के, और अगर आलू बॉईल होने के बाद भी आपको थोड़े टाइट लगते हैं तो उसको ऐसे चम्मच से मैश कर लेते हैं अच्छे से। 5 मिनट में देखिए आलू रेडी होते हैं, आपको बना के खाने हैं ऐसे इजी वे से। थैंक यू।